हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप किसी भी स्टेट का वोटर आईडी कार्ड स्लिप वोट डालने के लिए किस तरह से पा सकते हैं, वो भी घर बैठे बैठे अपने मोबाइल एंड्रॉइड फोन से। तो आज की इस वीडियो को आप ध्यान से एंड तक देखते रहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें अपने क्रोम ब्राउजर ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर हमें अपने सर्च बार में टाइप करना है electoralsearch.in। इसको सर्च करने के बाद यहाँ पर हमें इसको सर्च कर लेते हैं। उसके बाद आप जैसे ही डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर इस तरह का पेज शो होने लगेगा। उसके बाद हमें यहाँ पर सर्च बाई एपिक नंबर पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर हमें तीन कॉलम मिल जाते हैं जिसमें हमें अपना एपिक नंबर, स्टेट और कोड एंटर करना है। ये जो कैप्चा कोड है, अब मैं आपको बताता हूँ, ये एपिक नंबर हमारा वोटर आईडी कार्ड का नंबर होता है और इस साइड होता है जैसा कि आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए यहां पर हम अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर, स्टेट और कोड एंटर कर लेते हैं, ये कैप्चा कोड। तो यहाँ पर हम ये तीनों चीज़ें एंटर कर चुके हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है सर्च का, हम यहाँ पर सर्च पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर परिणाम यानी कि रिजल्ट आ चुका है। और उसके बाद यहाँ पर हमें आपके यहाँ पर एज दिख जाएगी, फादर का नाम दिख जाएगा, आपकी जो भी डिटेल होगी वो यहाँ पर शो होने लगेगी। उसके बाद यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलता है व्यू डिटेल का, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपका जो वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप है, मतदाता सूचना पत्र, यहाँ पर आपके स्क्रीन पर शो होने है। नीचे की तरफ हम स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपका पोलिंग स्टेशन आ जाएगा कि कहाँ पर आपको वोट डालना है। और उसके बाद यहाँ पर हमें प्रिंट वोटर इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना है और जो हमारी ये जो स्लिप है ये पीडीएफ फाइल में डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। अब मैं आपको अपनी स्लिप भी दिखा देता हूँ। देन अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रही हमारी वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप। यहाँ पर हमारी स्टेट आ जाएगी, असेंबली कंस्टिट्यूएंसी आ जाएगी, नेम, जेंडर, एपिक नंबर, फादर, हस्बैंड नेम, पार्ट नंबर, पार्ट नेम, सीरियल नंबर, पोलिंग स्टेशन, पोलिंग डेट और प्रिंट, और यहाँ पर आपकी डेट आ जाएगी कब इसने आपको प्रिंट किया है। तो देखा आप सबने कितना आसान है आपकी वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप को प्रिंट करना। आप चाहें तो इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, लेकिन प्रिंट निकलवाना कोई ज़रूरी नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप वहाँ पर उन लोगों को दिखा दीजिए और आप आसान से वोट डाल सकते हैं। और आपको अपना आधार कार्ड लेकर वहां पर जाना होगा, आप कोई भी आईडी प्रूफ वहां पर लेकर जा सकते हैं। तो यार आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। थैंक यू।